हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये हमारे पास फोन आया वीवो Y53 और दोस्तों इस मोबाइल में चार्जिंग की प्रॉब्लम जब आती है तो वो कहाँ से आती है और किस लिए आ जाती है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके फोन में भी कभी चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसे आप कैसे फाइंड करेंगे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है इस चार्जिंग कनेक्टर को आपको चेक करके देख लेना है। यहाँ पर आपको चार्जिंग कनेक्टर को चेक करके देखना है कि यहाँ पर इसमें कहीं कार्बन तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि जब इसमें अंदर कार्बन लग जाता है तो इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, या तो ये बहुत स्लो चार्ज होता है या फिर इसमें फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले आपको इसमें कार्बन चेक करना है, कार्बन तो नहीं लगा है। उसके बाद दोस्तों चार्जिंग की प्रॉब्लम जब आती है तो वो आपके डाटा केबल की वजह से भी हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर से जो सप्लाई यहाँ से निकलती हुई यहाँ पर बोर्ड पर आती है तो इसकी सप्लाई कहीं से मिस हो जाने की वजह से भी चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको, अगर आपके पास ये पट्टा हो तो आप इसे चेंज करके देख सकते हैं, अगर ये पट्टा आपके पास नहीं है तो फिर आप जम्पर लगा कर भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको जम्पर करना कैसे है। तो अभी मैं सिर्फ इसको बता रहा हूँ, इसके बाद ही इसे मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एकदम फ्रेश मोबाइल है, इसमें अभी कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब आप कनेक्टर को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, तो इस तरफ से जो पहला पॉइंट होता है, इस तरफ से जो पहला पॉइंट होता है वो हमारा प्लस पॉइंट होता है इस तरफ से। तो यहाँ से एक जम्पर लेंगे पहले वाले पॉइंट से, और वो वाला जम्पर आपको कहाँ करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर पर आपको इस तरफ लगा देना है। अगर यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई नहीं आ रही है तो यहाँ पर आप लगा देंगे, इससे आपके फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो सप्लाई आ रही है और उसके बाद यहाँ से होते हुए इस पट्टे से जो सप्लाई यहाँ पर आती है वो नहीं आ पा रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो फिर से आपको यहाँ पर चार्जिंग कनेक्टर के पहले वाले पॉइंट प्लस वाले पॉइंट से एक जम्पर लेंगे और वो जम्पर डायरेक्ट आप यहाँ पर ये जो पट्टा लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो पट्टा लगा हुआ है, इस पट्टे को जब आप रिमूव करेंगे यहाँ पर आपको पांच डॉट आपको दिख रही होंगी, तो आपको इस वाली डॉट पर, पहली वाली डॉट पर आपको लगा देना है। यहाँ से आपको जम्पर लेना है, पहले वाले पॉइंट से एक जम्पर लेना है और वो जम्पर आपको इस वाले पॉइंट पर लगा देना है। और इसी तरह से ग्राउंड जो होता है तो ग्राउंड का आपका इस तरफ से पहला वाला पॉइंट हो जाता है, इस तरफ से पहला पॉइंट ये ग्राउंड हो जाता है। तो ग्राउंड आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये आपका ग्राउंड का हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपके फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप जम्पर नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये पट्टा आपको चेंज करके देखना, सबसे पहले मल्टीमीटर से आपको यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई चेक करना है। अगर यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई आ रही है तो ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर भी आपको चेक करके देखना है कि इस पे पावर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये पट्टा चेंज करके भी देख लेना है, और पट्टा अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप जम्पर करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।